हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एग्जाम इन्फोटेक में। और फ्रेंड्स, ये हैं आज के SSC MTS GS के पहली शिफ्ट के क्वेश्चन, आज यानी कि फ्रेंड्स 24 अक्टूबर 2017 के पहली शिफ्ट के। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि मैंने टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया है, तो आप उससे ज्वाइन ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं उसमें सारी की सारी इंपॉर्टेंट जितनी भी PDF है फ्रेंड्स, मैं सारी की सारी भेजूँगा उसके अंदर, तो उसे ज्वाइन करना ना भूलें। फ्रेंड्स, जैसे जैसे पेपर आते जाएंगे, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अभी IBPS क्लर्क के का पेपर आने वाला है दिसंबर में, तो उसके मैं प्रीवियस ईयर का पेपर और प्रैक्टिस सेट मैं सारे के सारे अपलोड करूंगा फ्रेंड्स, तो आप उसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उसे ज्वाइन ज़रूर कर लें। उसमें मैं करंट अफेयर वगैरह डेली के जितने भी बनते हैं फ्रेंड, 10-12 क्वेश्चन मैं उसमें सारे के सारे अपलोड करूंगा, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे चैनल एग्जाम फॉर टेक को भी सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वाज फाउंडेड इन विच ईयर। तो इसका आंसर है 1956। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर अगला क्वेश्चन था, वाट डिड GS ओम्स डिस्कवर। तो इसकी खोज की थी ओम्स लॉ, जैसा कि आप सभी को पता है SSC MTS में लगातार खोजकर्ता से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। फिर अगला है क्वेश्चन, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन कबड्डी। तो फ्रेंड्स, ये 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में। फिर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऑप्शन वाला था, वो था अमंग दीज फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज बोरोड फ्रॉम ब्रिटेन। तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन वाला है कि ब्रिटेन से क्या लिया गया था, इंडियन जो संविधान है भारत का संविधान में, तो ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था नदी से भी संबंधित कुछ था, वो तो पता नहीं चला है, अगर पता चलेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मेरे। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मशरूम। तो ये फंगस होता है। फिर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था, जो न्यूटन का पहला नियम है उससे संबंधित था फ्रेंड्स, वो भी पता नहीं चला है कि क्या क्वेश्चन था। फिर अगला क्वेश्चन है, अमेरिकाज वेट फूड ड्राई फूड पॉलिसी इज विट विच कंट्री। तो फ्रेंड्स, ये इसका आंसर है क्यूबा। फिर अगला क्वेश्चन है, स्यूबा डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है फ्रेंड्स, जो स्यूबा डांस है, स्यूबा नृत्य। फिर अगला क्वेश्चन है, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एज, तो इसे एल्काइल्स बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वाट इज 124 वाइट इज इक्वल टू। तो ये 1 KB के बराबर होता है। इससे 2-3 शिफ्ट पहले फ्रेंड्स 1 TB का कुछ ऐसा पूछा गया था, कंप्यूटर्स का क्वेश्चन था फ्रेंड्स, मतलब क्वेश्चन वही घुमा फिरा के आ रहे हैं जो पहले के शिफ्ट में पूछे गए थे, उसी के आसपास के ही क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप मेरे प्रीवियस जो मैंने वीडियो डाले हैं जितने भी, तो आप उसे ज़रूर देख लें फ्रेंड्स, क्वेश्चन उन्हीं के ही आसपास से आ रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, देखिए फ्रेंड्स, ये योजना का फिरा गया है, राष्ट्रीय बायोसरी योजना कब लॉन्च हुई थी। तो ये हुई थी 1 अप्रैल 2017 को। और फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन और लास्ट फ्रेंड्स सॉफ्ट करेंसी से संबंधित आया हुआ था। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो पहली शिफ्ट में पूछे गए थे, मैंने आपको बता दिए हैं फ्रेंड्स। तो यही थे वे क्वेश्चन, तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा वो आपको। ओके फ्रेंड्स, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें फ्रेंड्स। ओके, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।